5 फरवरी 2022 को विमानन कंपनी इंडिगो ने किसे अपना MD नियुक्त किया है? को फाउंडर राहुल भाटिया को। 29 जनवरी 2022 को गूगल ने भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ का निवेश किया है? 7500 करोड़। 28 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। 21 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को एयर इंडिया का MD नियुक्त किया है? विक्रम देवदत्त को। 21 जनवरी 2022 को इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 7.6%। 19 जनवरी 2022 को कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 3 साल के लिए। 16 जनवरी 2022 को भारत सरकार के अनुसार साल 2021 का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कितने स्टार्टअप ने जीता है? 46 स्टार्टअपों ने। हाल में ही फोर्ड कंपनी का बाजार पूंजीकरण अपना स्थापना के कितने साल बाद 100 अरब डॉलर के पार पहली बार पहुंचा है? 118 साल बाद। हाल में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय मूल के किस शख्स को साइड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया है? सौमित्र दत्त को। हाल में ही भारत के अडानी समूह के ने दक्षिण कोरिया की किस स्टील निर्माता कंपनी के साथ 5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पॉस्को के साथ। हाल में ही जर्मनी एयरलाइंस लुफ्थांसा ने अपने बेड़े में कितने नए एयरबस A350S जोड़े हैं? 4। 4 अक्टूबर 2021 को NFT स्टार्टअप डैपर्स लैब ने किस वर्चुअल इन्फ्यूनर्स स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है? बर्ड का। हाल में ही फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग की पर्सनल संपत्ति में कितनी गिरावट हुई है? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डाउन होने के बाद 7 बिलियन। हाल में ही अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने किस इंडोनेशियाई ई कॉमर्स स्टार्टअप में $87 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया उसके सीरीज बी राउंड में? उला में। 26 अगस्त 2021 को अमेरिका के नैसडेक पर सूचीबद्ध होने के बाद भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी फर्म का बाजार पूंजीकरण कितने अरब डॉलर हो गया है? 4.5 अरब डॉलर। 26 अगस्त 2021 को वॉलमार्ट के CEO डग मैकमिलन के अनुसार भारत का खुदरा बाजार 2025 तक कितने ट्रिलियन हो जाएगा? 1 ट्रिलियन। 26 अगस्त 2021 को सरकारी बैंक कर्मचारियों के परिवारों को वित्त मंत्रालय ने आखिरी वेतन कितने प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी? 30%। हाल में ही भारतीय केंद्रीय बैंक RBI ने किस बैंक पर 27.5 लाख का जुर्माना लगाया है? धन लक्ष्मी बैंक पर। हाल में ही अमेरिकी स्टॉक कंपनी रॉबिन हुड ने भारतीय मूल की किस महिला को अपना पहला चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर CPO नियुक्त किया है? अपर्णा चन्ना प्रगदा को। हाल में ही किस अमेरिकी बिजनेसमैन ने कहा कि वह कार्बन उत्सर्जन के लिए मैं सिंथेटिक मांस खाता हूँ? बिल गेट्स ने। हाल में ही भारत विदेशी मुद्रा भंडार में के मामले में कौन सा देश बन गया है? 4। 12 मार्च 2021 को चीन की किस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? एंट ग्रुप और इस्तीफा देने वाले CEO का नाम है साइमन हु ने। हाल में ही भारत सरकार ने सेबी से किस बॉन्ड पर 100 वर्ष के परिपक्वता नियम को वापस लेने की को कहा है? परपेचुअल बॉन्ड पर। हाल में ही दिग्गज फ़ोन निर्माता कंपनी एप्पल ने अपने किस आईफोन की असेंबली भारत में शुरू की है? आईफोन 12। हाल में ही कैबिनेट ने किस क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? बीमा क्षेत्र में। हाल में ही अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने किसे 729 अरब रुपये के साथ अर्थ फंड के CEO नियुक्त किया है? एंड्रू एस्टियर को।
26 दिसंबर 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किस फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड योजनाओं में ई वोटिंग के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है? TS कृष्णमूर्ति को। 26 जनवरी 2020 को वित्त मंत्रालय ने किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 8वां स्थान दिया है? राजस्थान को। 26 दिसंबर 2020 को किस संस्था ने कहा कि भारत की इकोनॉमी 2025 में 5वीं बार बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी? थिंक टैंक ने। 25 दिसंबर 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? बैंक का संचालन गलत तरीके से करने के कारण, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का। 25 दिसंबर 2020 को रेडिट ने किस शॉर्ट फॉर्म वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण करा है? डब स्मैश का। 15 दिसंबर 2020 को किस कंपनी का अधिग्रहण करने का ऐलान इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने किया है? कोड मास्टर्स का। 14 दिसंबर 2020 को दिग्गज कंपनी ट्विटर ने किस सोशल मीडिया ऐप का अधिग्रहण किया है? स्क्वाडा का। 14 दिसंबर 2020 को एस्ट्राजेनिका ने किस दवा निर्माता कंपनी का अधिग्रहण $39 बिलियन में खरीदने की सहमति जताई है? एलेक्सियन फार्मास्यूटिकल का। 14 दिसंबर 2020 को भारतीय एक्सा ने किस नाम से COVID-19 से लोगों को बचाने के लिए अभियान की शुरुआत की है? गॉट यू कवर्ड। 13 दिसंबर 2020 को किस बिजनेसमैन को TEE ग्लोबल समिट 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? बिल गेट्स। 12 दिसंबर 2020 को किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया टाइम्स पत्रिका के द्वारा? एरिक इवान को। 12 दिसंबर 2020 को हुंडई मोटर ने किस रोबोट फॉर्म में 80% हिस्सेदारी खरीदी है? बोस्टन डायनेमिक्स इनकॉर्पोरेटेड ने। 12 दिसंबर 2020 को कौन सा बैंक Basel III बॉन्ड जारी करके 500 करोड़ अर्जित करेगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 11 दिसंबर 2020 को भारत में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए 3-in-1 बचत प्लस ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट लॉन्च किया है? इक्विटास स्मॉल फिन बैंक ने। 10 दिसंबर 2020 को एशियाई बैंक ने कर्नाटक में मेट्रो लाइन बिछाने के लिए कितने करोड़ का ऋण का ऐलान किया है? 50 मिलियन। 10 दिसंबर 2020 को हेरिटेज फूड्स ने फ्यूचर रिटेल में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 132 करोड़ रुपए में बेच दी है? 3%। 10 दिसंबर 2020 को वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को GST के क्षतिपूर्ति कम करने के लिए 5,516 करोड़ रुपए की छठवीं किस्त जारी की है? 23 राज्यों को। 9 दिसंबर 2020 को RBI ने किस बैंक का लाइसेंस पर्याप्त वित्त ने होने के कारण रद्द कर दिया है? कराड जनता सहकारी बैंक का। 9 दिसंबर 2020 को किस मैगजीन की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम आया है? तो फोर्ब्स। 9 दिसंबर 2020 को इंडियन बैंक ने निजी प्लेसमेंट आधार पर बॉन्ड जारी कर कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? 1,048 करोड़ रुपए। 8 दिसंबर 2020 को मुंबई की एडटेक स्टार्टअप लीड स्कूल ने किस स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है? क्विजेंट जेंटक का। हाल में ही किस जर्मन फुटवियर ब्रांड ने भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में चीन से निकलने के बाद उत्पादन शुरू किया है? वॉन वेलक्स ने। 8 सितंबर 2020 को किस सरकारी एजेंसी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड पर $13.6 बिलियन का जुर्माना लगाया है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ने। 7 सितंबर 2020 को किस विदेशी कंपनी ने भारत की मसाला निर्माता कंपनी स्ट्रॉन्ग कॉन्डिमेंट्स लिमिटेड ने में 67.8% हिस्सेदारी खरीदी है? नॉर्वे की ओरकला ने। 4 सितंबर 2020 को किस सरकारी बैंक ने गोल्ड लोन सस्ता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 2 सितंबर 2020 को किस रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत पर 2021 में सबसे अधिक कर्जा का बोझ होगा? मूडीज ने।
अगस्त 2022 में भारत का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह कितने करोड़ रुपए पहुंचा है? 86,449 करोड़ रुपए। 31 अक्टूबर 2020 को ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार मार्क जकरबर्ग को पछाड़कर कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? एलन मस्क। 25 अगस्त 2020 को एप्पल ने अपने 21 आईफोन को असेंबलिंग भारत में शुरू किया है, आईफोन एसई की। भारत की कौन सी कंपनी ज्वेलरी सेक्टर में 1750 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी जो इस सेक्टर में सबसे बड़ा है? कल्याण ज्वेलर्स। 19 अगस्त 2020 को रिलायंस ने किस दवा कंपनी में 60% हिस्सेदारी 620 करोड़ रुपए में खरीदी है? netmeds.com ने। 7 अगस्त 2020 को ब्यूटी ब्रांड माई ग्लैम ने किस महिला केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? पॉप एक्सो का। 6 अगस्त 2020 को बायजूस ने कोडिंग सिखाने वाली किस कंपनी को 2200 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? वाइट हेट जूनियर। 3 अगस्त 2020 को अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने किस कंपनी का अधिग्रहण $100 मिलियन में किया है? मोबीवेव का। 16 जुलाई 2020 को भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समाधान भारत में लाने का ऐलान किया है? वेरिजोन के साथ। 16 जुलाई 2020 को भारत की किस कंपनी ने 225 मेगावाट की हाइब्रिड अक्षय परियोजना विकसित की है? टाटा पावर यूनिट ने। 15 जुलाई 2020 को भारत की किस कंपनी ने देसी 5G टेलीकॉम उपाय बनाने का ऐलान किया है? जियो ने। 15 जुलाई 2020 को एप्पल और यूरोपीय यूनियन के बीच चल रहे यू टैक्स ऑर्डर को की लड़ाई में कौन जीता है? एप्पल। 15 जुलाई 2020 को किस भारतीय कंपनी ने अपना स्टार्टअप चश्मे लॉन्च किए हैं? जियो ने। गूगल ने भारत की किस टेलीकॉम कंपनी में 7.7% हिस्सेदारी 33,737 करोड़ में खरीदी है? जियो में। 11 जुलाई 2020 को किस बैंक ने MCLR में 20 बेसिस पॉइंट्स घटा दिए हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस कंपनी ने रिलायंस से 7,528 करोड़ रुपए में जियो बीपी पेट्रोल स्टेशन में 49% हिस्सेदारी खरीदी है? ब्रिटिश वायल ग्रुप बीपी ने। हाल में ही जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने अपने बेड़े में कितने नए एयरबस A350 जोड़े हैं? तो 4। धन्यवाद।